हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखा आपने, संडे को फाइनल मैच हुआ, इंडिया उसमें अनफॉर्चुनेटली हार गया। और लेकिन कब मोदी जी, पहले से सुन तो रहे थे कि मोदी जी आने वाले हैं वहाँ मैच देखने के लिए, लेकिन बस ऐसे ऐसे ही चल रहा था। एक आध बार अमित शाह को तो दिखाया था कि बैठे हुए थे वो, लेकिन मोदी जी कब पहुँचे वो तो देखा नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा डर रहा था, इसलिए पूरा मैच नहीं देख रहा था। सोचा था कि जब इंडिया के जीतने के नज़दीक आएगी तो फिर देखना शुरू करेंगे लाइव, तो नहीं देख रहा था उस समय। तो मोदी जी का देखिए कि पहली बात तो आपने ध्यान दिया किस कलर के जैकेट में वो आए हुए हैं, अरे सदरी में अपने, कि वो जो है इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए ब्लू कलर का ही सदरी पहन के आए थे वो। और उसके बाद नॉर्मली जो है देखा होगा उन्होंने कि हार जाने के बाद अपने खिलाड़ियों का जो देखा होगा कितने डिसअपॉइंटेड थे, कुछ लोग रो भी रहे थे। तो अब उन्होंने बोला होगा भाई वहाँ पे जो वहाँ के जो कर्ता धर्ता थे कि हमको ले चलिए खिलाड़ियों के पास, तो ड्रेसिंग रूम में उनको ले लिया गया, बता खिलाड़ियों को बोला हो गया होगा कि आ रहे हैं पीएम मिलने। और पीएम ने देखिए किस तरह से रोहित शर्मा, विराट कोहली इन लोगों को कंसोल किया। उसके बाद वो किस तरह की अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि 130 करोड़ लोगों का जो दिल धड़क रहा था मैच के साथ साथ, तो मोदी जी का भी वैसा ही था। वो अभी नहीं, हर चाहे ओलंपियन हो चाहे जो भी हो, मेडल वेडल लेके आते हैं, सबको अपने पास बुलाते हैं, जो नहीं लेके आते उनको भी बुलाते हैं। तो मोदी जी का खेल की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसी के कारण फंड भी उन्होंने बढ़ा दिया है, और उसी के कारण जो है रिजल्ट भी ले आ रहे हैं खिलाड़ी सब, उनको फैसिलिटी मिल रही है। तो वो रिजल्ट भी चाहे ओलंपिक में हो चाहे क्रिकेट में हो, हर चीज में खिलाड़ी अब आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इंडिया अब जो ऊपर आ रहा है, डेवलप कर रहा है, फास्ट डेवलपिंग कर रहा है, तो नॉट ओनली इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आपकी खेलों में लोगों को मेडल्स भी बहुत से मिल रहे हैं। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ फिर वो गए राहुल द्रविड़ से भी मिले। तो हालांकि पीएम आ रहे थे, इन लोग को हाफ शॉर्ट में नहीं होना चाहिए था, इतना तो समझ में आना चाहिए राहुल द्रविड़ वगैरह को भी, और भी किसी को देखा हमने। एनीवे खिलाड़ी ऐसे नहीं थे, खिलाड़ी तो फुल्ली अपने प्लेइंग ड्रेस में ही थे जो है। तो बाद में इंडिविजुअल से जा जा के मिले, सबको कंसोल किया, सबको गेम को अप्रिशिएट किया वन बाई वन। और बाद में तो आपने देखा होगा कि मोहम्मद सामी को तो गले ही लगा लिया, आंख भरा भरा ही रहा होगा। तो ओबियस है ना, इतना मेहनत करके, उसने इतना मेहनत किया, इतने विकेट लिए, लास्ट में मैच अनफॉर्चुनेटली हार गए, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो मोदी जी ने सबको गले लगा, इसको कहते हैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, कि जिसका मतलब किसी यूनिडायरेक्शनल नहीं रहता है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो सबके प्राइम मिनिस्टर सब चीज़ देखते रहते हैं, हर चीज़ उनके दिमाग में चलता रहता है। इंडिया को प्राइड को कैसे मेंटेन करना है, इंडिया को हर लिहाज से कैसे ऊपर लेके जाना है, वर्ल्ड में इंडिया का कैसे नाम बढ़ाना है, पीएम हर चीज़ की तरफ ध्यान रखते हैं। और इसलिए वो खिलाड़ी खिलाड़ियों के मन में, दिल में तो आया ही होगा कि देखिए पीएम आके मिल रहे हैं। ऐसा कोई पहले प्राइम मिनिस्टर कभी सुना है आपने, किसी ने किया होगा? कोई नहीं इस तरह सोचता है। तो ये मोदी जी जमीन से जुड़े हुए रहे हैं ना, तो ये सब चीज इनकी जिंदगी में हर तरह के स्टेज से ये पार हुए हैं ना, तो सब जानते हैं एक एक चीज। और ये भी डिसअपॉइंटेड ही लग रहे थे हमें। अब मुझे लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम को बुलाया था, इन्वाइट किया था इन्होंने मैच देखने के लिए, तो हो सकता है उस समय इनका भी प्लान बना हो। अब पीएम वगैरह का टाइम शेड्यूल तो बड़ा फिक्स रहता है, तो अब आने के लिए मैच के लिए टाइम निकाला होगा उन्होंने पहले से ही। बाद में किसी कारण से ऑस्ट्रेलिया पीएम ना आके के डिप्टी पीएम को उन्होंने भेजा, तो अब चूंकि इनका स्लॉट वो निकला हुआ था पीएम का शेड्यूल में, तो आए होंगे फिर उनके साथ देखने के लिए।
ये मोदी जी का ये गेस्चर बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग का दिल बहुत खुश हो गया कि खिलाड़ियों को भी कुछ कंसोलेंस मिला होगा, कंसोल जो उन्होंने किया ना, खिलाड़ियों को अप्रिशिएट भी किया तो खिलाड़ियों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मोदी जी आई सल्यूट यू, बहुत ही अच्छा किया आपने वहाँ जाके मिल लिए, थैंक यू वेरी मच। अब चलिए ठीक है, कुछ धीरे धीरे सब लोग भूल जाएंगे वर्ल्ड कप का ये फाइनल, फिर नई चीज़ें, लोग क्या क्या चीज़ नहीं भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबत लोग भूल जाते हैं, तो ये भी भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा, बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।